नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार, किसकी सरकार? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार, किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है मां शारदा, शबरी और शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन शाह ने मैहर में मां शारदा के दर्शन किए, तो वहीं सतना में शबरी माता जन्म जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सभी वर्गों को साधने की कोशिश में अमित शाह नजर आए, साथ ही आदिवासियों को भी लुभाते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने मध्य प्रदेश दौरे की शुरुआत कुछ इस तरह से की। पहले उन्होंने मैहर में मां शारदा माता के दर्शन किए और फिर सतना में शबरी माता जन्म जयंती समारोह में शिरकत की। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को भी साधने की कोशिश की। तो वहीं कोल समाज के महासम्मेलन में आदिवासियों को भी अमित शाह रिझाते नजर आए। यानी विंध्य में उन्होंने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। एक तरफ आदिवासियों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए फिर से बीजेपी को चुनकर लाने को कहा। 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। मां राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मां की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। भगवान राम ने नवधा भक्ति का पाठ भी पढ़ाया तो सबरी मैया को पढ़ाया नौ भक्ति, नवदा भक्ति का पाठ। मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था। कुल मिलाकर विंध्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी में चुनावी आगाज किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी। सतना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया। हालांकि कांग्रेस इस दौरे को लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। चूंकि आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए सिर्फ चुनाव को देखते हुए केवल एक छलावा किया जा रहा है। उन लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जा रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर हमारे प्रदेश की और विंध्य की जनता ये जान गई है, समझ गई है, अब किसी भी तरीके के प्रलोभन या झांसे में बीजेपी के आने वाली नहीं है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, ऐसे में अमित शाह का एमपी आना प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम है। आदिवासियों के लिहाज से विंध्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है, क्योंकि एमपी की कुल 230 सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 16 पर ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। इसलिए बीजेपी आदिवासियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का।
बूथ बाजा में आज हम बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भोजपुर विधानसभा की। भोजपुर विधानसभा भोपाल से सटी हुई रायसेन जिले की चर्चित सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा विधायक रहे और अब उनके भतीजे 3 बार से विधायक हैं। बीजेपी के इस गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन इस बार तैयारियां कैसी हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त बंसल न्यूज की बेहद ही खास कार्यक्रम बूथ बाजा के लिए बंसल न्यूज की टीम भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में आ पहुंची है और हम जानेंगे अब भोजपुर विधानसभा का हाल, इस भोजपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना बाकी है। रायसेन जिले की सबसे अहम विधानसभा सीट, जिसकी पहचान स्वयं शिव से है, शिव के अनूठे धाम भोजपुर से है और भोजपुर से ही इस विधानसभा को पहचान मिलती है। भोजपुर ऐतिहासिक विरासत से भरपूर और अद्भुत शिव मंदिर के लिए विख्यात है। शिव की अद्भुत सत्ता के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ पर शिव विशाल आकार लेकर विराजमान है। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और जब कोई खास मौका होता है तो यहाँ आस्था का सैलाब दिखाई देता है। यहीं से विधानसभा के हर काम की शुरुआत होती है। राजनीति की बात करें तो भोजपुर बीजेपी का अभेद गढ़ रहा है। शिव के सानिध्य में लंबे अरसे से, या यूं कहें कि महज 2003 को छोड़ दें तो 1980 से यहां कमल खिलता रहा है। फिलहाल यहां से बीजेपी के सुरेंद्र पटवा लगातार 3 बार से विधायक हैं। सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी को भी 2 बार चुनाव में शिकस्त दे चुके हैं। ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसे बीजेपी के पितृ पुरुष सुंदरलाल पटवा ने अपनी मेहनत और अनुभव से सींचा है। सुंदरलाल पटवा 1985 से 1998 तक लगातार 4 बार विधायक रहे और यहीं से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। अब उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र पटवा 4थी बार भी इस भरोसे से भरे हैं कि जनता का साथ मिलेगा। पटवा का कहना है कि बीजेपी ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, शिवराज सरकार की योजनाओं से जनता खुश है और बीजेपी फिर से भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। मुझे याद आता है स्वर्गीय पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि विकास का मामला हो चाहे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का कोई मामला हो, एक मामला खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। निरंतर ये प्रयासरत रहकर हम लोग विकास को आगे ले जा रहे हैं। क्या हम लोगों ने किया है, क्या हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बना रखी है, जो हम लोगों ने विधानसभा की योजना बना रखी है, उन योजना के लिए हम तत्पर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हमें जो जनादेश 5 साल के लिए मिला है उस जनादेश में ज्यादा से ज्यादा विकास हम लोग कर पाए, करने का प्रयास किया है और विकास हमेशा बोलता है। कांग्रेस के लिए भोजपुर सीट हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही। पार्टी ने 2-2 बार दिग्गज नेता सुरेश पचौरी पर भी दाव लगाया, लेकिन नतीजा नहीं बदला। अब एक बार फिर कांग्रेस तैयारी में है, अच्छे प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। वहीं कुछ युवा नेता भी दावेदारी ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भोजपुर का इतिहास बदलने वाला है। इस विधानसभा का प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बेरोजगार के लिए एक रोजगार की योजना है उसमें, और जब तक हम उस अभियान को सफल नहीं बनाएंगे तब तक ये बेरोजगारी इस विधानसभा में रहेगी, और जब हम उसे सफल बनाएंगे, सफलता पूर्वक उस पर काम कर देंगे तो निश्चिंत है कि यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर हम निजात पाएंगे। जनता के पास हर पोलिंग पर जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे और उनको इनके जो कुरीतियां हैं उनसे अवगत कराएंगे। जब ही जनता हमारी तरफ आकर्षित होगी, जब ही कांग्रेस को वो वोट देगी और हम ये अभियान जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर घर में चलाएंगे। विकास की बात करें तो विधानसभा में विकास दिखाई देता है। मंडीदीप जैसा औद्योगिक क्षेत्र इस विधानसभा का हिस्सा है। विकास के कुछ काम हुए तो कुछ अभी भी समय के गर्त में है और जनता भी विकास को लेकर अपनी राय बेबाकी से रखती है। कांग्रेस को भी बहुत सारा समय मिला था, मंडीदीप तो बहुत साल से है, कांग्रेस पास बहुत सारे मौके थे, वो विधानसभा में वो भी ऐसे कोई चिन्ह छोड़ के नहीं गए। जहाँ तक बहुत सारे काम हुए तो मैं तो कहीं ना कहीं
समर्थन करता हूं कि बीजेपी को मौका बनेगा, फिर से पब्लिक बीजेपी को मौका देगी। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं लग रहा है मेरे को। अभी हॉकर्स जोन बना कर देना चाहिए, जितनी जो जगह जो बैठे हैं उनके लिए हॉकर्स जोन पक्के नहीं बनाए तो टीन शेड वाले बना कर दे दें। अब पार्टी कौन सी आएगी अब वो तो देख लिया, 14-15 साल तो होगा पार्टी देखते देखते, क्या देखेगा अब तो कांग्रेस आई और क्या, कांग्रेस में देंगे अब क्या करें। विकास अगर देखा जाए भोजपुर विधानसभा में तो काफ़ी ज़्यादा भी विकास हुआ है, लेकिन अभी कुछ जैसे सड़क के मामले में देखा जाए तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी विकास अधूरा है। समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं, 2023 के लिए भी सियासी समीकरण बनने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता नजर आने लगी है, दाव हर तरफ से चले जाएंगे लेकिन निशाना उसका ही सटीक बैठेगा जिसके साथ जनता का साथ होगा। बूथ बाजा में हमने जाना भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल, तो वहीं भाजपा का दावा है कि उसने विकास किया है, तो वहीं कांग्रेस इन विकासी वादों को खोखला बता रही है। वहीं बात करें अगर छोटे छोटे कस्बों की, छोटे छोटे कस्बों में भी कई स्थानीय ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार काम करने में विफल रही है। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, भोजपुर विधानसभा। तो भोजपुर के सियासी समीकरण समझने के बाद चलिए सियासी इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। रायसेन जिले की अहम विधानसभा सीट भोजपुर विधानसभा सीट मानी जाती है, भोजपुर शिव मंदिर से सीट की पहचान है। वहीं आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप भी इस सीट का एक हिस्सा है। बीजेपी का अभेदगढ़ इस सीट को माना जाता है। 1985 से सिर्फ एक बार यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा चार बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। अब तीन बार से सुरेंद्र पटवा जीत रहे हैं। सुरेंद्र पटवा मौजूदा विधायक मंत्री भी रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि तीन बार से सुरेंद्र पटवा ने यहां पर चुनाव जीता है और 2003 में कांग्रेस के राजेश पटेल यहां पर जीते थे, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो चार बार पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा यहां के विधायक रह चुके हैं। हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का, बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से। देवास को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है और पार्टी किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी, आइए जानते हैं। खुद मौजूद है मनोज राजानी जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे 2023 के चुनाव को लेकर। भैया क्या लगता है 23 की जो तकरार होने वाली है उसमें कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई वर्तमान में वो डाका डाल के सरकार बनाई गई है। आम जनता ने उन्हें नहीं चुना, आम जनता ने तो माननीय कमलनाथ जी को बहुमत दिया था। ये दाव पेच करके, खरीद बिक्री करके जो सरकार बनाई गई, अब ये लूट मार की सरकार है। ऐसा कोई बिंदु नहीं बचा जहां लूट मारना मची हो जी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा हो जहां पे पोस्टिंग जो की जा रही हो पैसे दे के की जाती है। सारा और सब तरफ से लूटमार का केंद्र बना दिया, जनता भी समझ रही है, अधिकारी भी समझ रहे हैं। 2023 के अंदर पुनः कमलनाथ जी की वापसी होगी, आप इसको लिख के रख लीजिए। क्या लगता है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसका जो संगठन है वो सबसे बड़ी चुनौती है, उससे कांग्रेस कभी भी पार नहीं पा सकती, क्या कहते हैं? आपके प्रश्न में तीन बिंदु आए, मैं क्रमवार आपको जवाब देता हूं। आपने कहा कि वो कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मानते, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। याद होगा कुछ दिन पहले जनपद चुनाव में भी मेरे जिला अध्यक्ष से चर्चा हुई थी, वीडियो भी आप लोगों के माध्यम से जारी हुए थे। सबके सब सीटें हम जीत जाएंगे, 6 की 6 जनपद जीत जाएंगे, जिला पंचायत हम जीतेंगे। क्या हुआ रिजल्ट? एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जनपद अध्यक्ष नहीं बन पाया जिले में। मुझे गर्व है मेरे कांग्रेस के साथियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। 6 में से 6 जनपद कांग्रेस की देवास जिले में काबिज है। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ पे काबिज है। ये जिला पंचायत की बात जनपद के अलावा करने के अलावा कहना चाहता हूँ कि ये जिस आधार पर, घमंड के आधार पर करते हैं, ये पैसों के दम पे बात करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई, मैंने कहा ना वो घमंडी हो गए।
आक्रमणता आ गई उनके नेताओं में कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं पैसों के दम पे, जनता को नहीं खरीद सकते। 23 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छा देने वाली है और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने बनकर उभरेगी और जीत भी हासिल करेगी, ऐसा दावा है शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी का। बोले तो नेताजी कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। और चलिए आप जन का मन भी टटोल लेते हैं। खास सेगमेंट जन का मन में हमने बात की रेहटी के लोगों से। रेहटी मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुदनी का हिस्सा है, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विधायक हैं। 20 साल से लगभग हमारी बीजेपी की सरकार है और अच्छे काम हो रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के, उसमें बहुत अच्छी सब जनता को फायदा मिल रहा है और आने वाले समय में भी बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बनेगी। 17 साल हो गए हमें, विकास कार्य रेहटी में बहुत ज्यादा हुआ है और आगामी हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और सब कार्य होते रहें। काफी विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है, काम सब अच्छे हो रहा है, आगामी समय में भी बीजेपी की सरकार आना चाहिए। 20 साल में जो कार्यकाल करा शिवराज सिंह चौहान साहब ने, वो कार्यकाल बढ़िया रहा, वो विकास कार्य भी सबसे अच्छा रेहटी क्षेत्र में है और होता रहेगा। 14-15 सालों में बहुत विकास कार्य हुआ है, आने वाले समय में भी विकास होगा, होता ही रहेगा और इसके बाद लग रहा है बीजेपी की सरकार के अलावा और कहीं आई ही नहीं। 15-20 साल से यहाँ से जब सरकार बनी है, विकास कार्य तो बहुत हुए हैं और हो भी रहे हैं। अब आने वाले समय में अब जनता का रुख मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि किस प्रकार जाएगा। वैसे तो बहुत से काम किए, अभी महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीने की घोषणा की है और किसानों के लिए भी काफ़ी किया है और शादी ब्याह जो भी है उसमें भी काफ़ी मददगार है, इसी अपने क्षेत्र में तो और दूसरे क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है बीजेपी का। बीजेपी के सरकार में कांग्रेस से ज़्यादा वो हुआ है विकास, वो मैं आगे भी यही चाहूँगा कि आने वाले 2023 में, 2023 के बाद जो 24 का चुनाव आएगा उसमें भी बीजेपी की ही सरकार बने। बुधनी विधानसभा में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन सरकार ये आम जनता के ऊपर निर्भर है किसकी बनाती है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।